ओके सर। थैंक यू सर। ओके चलेगा। आई गॉट टू नो विद दिस अटेस्ट कि तुम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह भी आता है। सो सिंस दीपक सर इज ऑन वेकेशन फॉर अ वीक और सो, सो आई विल बी टेकिंग फ्यू लेक्चर्स ऑफ हिज। सो बेसिकली स्ट्रेट लाइन्स ही मैं पढ़ाऊंगा। स्ट्रेट लाइन्स पढ़ाने के पहले एक छोटा सा चीज मैं बिगिनिंग ऑफ द क्लास में डिस्कस कर रहा था कि अगर थ्री पॉइंट्स दिए हैं, इफ थ्री पॉइंट्स हैव बीन गिवन टू अस, हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? एनीबडी हु अगर नोस? हम थ्री लाइंस हर एक पॉइंट से निकालेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, फिर हम लोग जो पैरेललोग्राम्स बनेंगे ना उनको हम लोग एक एक करके, मतलब पहले जो सबसे बड़ा पैरेललोग्राम बनेगा ना उसमें से दोनों छोटे को माइनस कर देंगे, तो वैसे पैरेलल नहीं सर, वो रोम्बस का ट्रेपीजियम, कुछ। ट्रेपीजियम। हाँ सर, ट्रेपीजियम तो सर। उसका डिरेवेशन बता रहा है, डिरेवेशन हाँ, बता बता रहा है। सही है, फॉर्मूला याद नहीं है क्या? सर वी कैन जस्ट सर यूज द हाफ फॉर्मूला कौन सर। सा हाफ फॉर्मूला है? से मॉड्यूलस ऐसा कुछ था ना, हाफ मॉड्यूलस x1 y1 1 x2 y2 2 x2 y2 1 x3 y3 1, फिर वो एक और लंबी लाइन और फिर इसको मॉड्यूलस साइन। एक्सपेंड करना है, तो ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सबको आता है क्या? एवरीबडी इन द क्लास, x1 टाइम्स हाँ सर। y2 माइनस y3, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग ये आता है, दिस इज राइट एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो ऐसे ढूंढ सकते हो। अच्छा, नाउ डू यू गाइस अंडरस्टैंड द वर्ड कंकरेंट? Which lies on a यस straight line? सर। विच लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, व्हाट डज इट मीन? एक स्ट्रेट लाइन सर, का तो पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन विल जस्ट पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द बी स्ट्रेट लाइन, दे आर कॉल्ड एज कोलीनियर, दे आर कॉल्ड एज कोलीनियर, कोलीनियर पॉइंट्स बोलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड कंकरेंट। कंकरेंट क्या होता है? एनीबडी कंकरेंट क्या होता है? इफ ऑल द लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट, इफ ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, देन द लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट। इफ ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन वी से द लाइंस आर कंकरेंट। ठीक है, ये स्कूल में नहीं था क्या कंकरेंट वर्ड? हाँ सर। किसी को लिखना है तो लिख लो डेफिनेशन। अगर सारे लाइन एक ही पॉइंट से पास करेंगे तो उनको कंकरेंट बोलेंगे। राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ऑल द लाइंस पास टू द सेम पॉइंट, देन द लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट। हाउ डू चेक अगर टू, अगर दो से ज्यादा लाइन्स है, तीन लाइन्स है, अगर तीन लाइन्स कंकरेंट है कि नहीं पूछे तो कैसे चेक करोगे? हाउ डू यू चेक द कंकरेंसी इफ थ्री लाइन्स आर इंडीड कंकरेंट और नॉट? ओके चलेगा। एक क्वेश्चन करो, चेक इफ द लाइन्स, चेक इफ द लाइन्स 2x-y-5=0, 3x-y-6=0 एंड 4x-y-7=0, चेक इफ दिस थ्री लाइन्स आर कंकरेंट और नॉट। चेक इफ द थ्री लाइन्स आर कंकरेंट और कॉन्करेंट, हाउएवर यू कॉल इट। चेक इफ दिस थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, तो तीनों लाइंस क्या एक ही पॉइंट से पास करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। तीन लाइंस दे रखे हैं, द क्वेश्चन इज विल दे पास थ्रू द सेम पॉइंट? सीधा ओके, क्वेश्चन में डाउट है क्या किसी को? एनीबॉडी इन द क्लास हु हैज डाउट विद द क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो क्रिश इज एक्टिवली रेस्पॉन्डिंग। बाकी लोगों का क्या है सिचुएशन? तुम्हें लोगों को समझ में नहीं आया तो पूछो, समझ में आ गया तो भी यस बताओ ताकि फ्लो ऑफ द क्लास कैन बी फास्टर। सर समझ में आ रहा है। थैंक्स यश।
चेक इफ द थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट और नॉट. तो तीनों लाइन सेम पॉइंट से पास करेंगे क्या, ये चेक करना है. तो उसके लिए क्या है, व्हाट इज द आइडियोलॉजी, क्या क्या प्लान है, कैसे चेक करूं तीनों लाइन सेम पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं. हाउ कैन आई चेक दैट, क्या फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे क्या, विल द फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन इंटरसेक्ट और नॉट, वो कैसे पता चलेगा फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं. स्लोप से बता सकते हैं गाइस, स्लोप से. लाइक ये तुम्हें पता होगा ax plus by plus c is equal to zero लाइन है, तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस, इसका स्लोप होगा माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप माइनस ए बाई बी होगा. तो फर्स्ट लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी होता है माइनस टू बाई माइनस वन, इसका स्लोप टू है, सेकेंड वाले का स्लोप थ्री है और तीसरे का स्लोप फोर है, तीसरे का स्लोप फोर है. अभी फर्स्ट स्लोप टू है, सेकंड स्लोप थ्री है, तो दोनों स्लोप डिफरेंट है, दोनों स्लोप डिफरेंट है, मतलब बोथ ऑफ देम आर नॉट पैरेलल, दोनों डिफरेंट स्लोप्स के हैं. तो डिफरेंट स्लोप्स के मतलब जरूर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जरूर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. तो स्लोप्स तो दो लाइंस कंकरेंट है कि नहीं चेक करने के लिए, तो ऑब्वियसली स्लोप्स चेक कर सकते हैं. उसके अलावा एक तीसरा लाइन भी है, ये तीसरा लाइन भी इन्हीं दोनों लाइंस के साथ कॉन्करेंट होगा कि नहीं चेक करना है. तो हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो तीसरा लाइन है वो अगर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सो दिस इज नॉट कॉन्करेंट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. सो दिस शुड बी द सिनेरियो विच वी आर एक्सपेक्टिंग, दिस इज नॉट द सिनेरियो विच वी आर एक्सपेक्टिंग. तो तीसरा लाइन जो है वो भी उसी पॉइंट से पास करना चाहिए. तो कैसे चेक करूं कि ये तीनों लाइन सेम पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं, हाउ कैन आई चेक दैट. ओके, नो आंसर, तो आई विल गो अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन ओनली देन. तो फर्स्ट बेसिकली यार गाइस ये समझो तुम लोग कि ये जो लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है मतलब लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, लाइन के ऊपर एक लाइन के ऊपर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स होंगे, ऑफ कोर्स इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स होंगे. जैसे कि इस क्वेश्चन में x को जीरो पुट करूंगा तो y का वैल्यू कुछ माइनस फाइव आएगा, तो जीरो कॉमा माइनस फाइव एक पॉइंट है. x को कोई और वैल्यू पुट करूंगा तो कुछ और कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो सारे के सारे पॉइंट्स जो है इस लाइन पे लाई करेंगे. सिमिलरली दूसरा लाइन है, इसके ऊपर भी इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स लाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको कैसे ढूंढूं, तो मतलब ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे. ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे. तो ऐसा पॉइंट कैसे मिलेगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, और दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए. तो यस भव्या सर, अगर y का सेट फॉर्मूला लेके हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो, हाँ बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से इज इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो. सॉल्व करने पर हमें ऐसा पॉइंट मिलेगा जो पहले पे भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे पे भी सेटिस्फाई करेगा. तो अभी हमें ये पॉइंट मिल जाएगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का. इन दोनों को सॉल्व कैसे करूं, हाउ शुड आई सॉल्व दिस इक्वेशन. Simultaneously solving, ये two equations, two variables है, x and y. Simultaneous solving, I hope school में किया होगा. Like of course, subtract करना है या add करना है या कुछ multiply करके subtract या add करना है, वो check कर लो. जैसे कि इस question में y को cancel करने के लिए क्या कर दूँ? Straight away subtract. Subtract करूँगा equations तो 2x में से 3x subtract होके minus x हो जाएगा. माइनस वाई में से माइनस वाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. फिर माइनस फाइव माइनस ऑफ माइनस सिक्स प्लस बन जाएगा, वो सिंप्लीफाई होके वन आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो. एक्स का वैल्यू वन आ गया. वाई के वैल्यू के लिए ऑल वी विल डू इज टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू माइनस सेवन. विल माइनस सेवन कैसे मिला, एक्स का वैल्यू वन है. हाउ डिड यू गेट द वैल्यू ऑफ वाई सर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन व्हिच वी आर साइमल्टेनियसली इक्वेटिंग. सब्स्टिट्यूट Yes, let us substitute. तो क्या होगा, चेक कर अच्छे से. 2x minus 1 minus 5 is equals to 0. तो 2x is equals to 6.
x का वैल्यू 3 आ रहा है मुझे. कैन एनीबॉडी कंफर्म इफ इट इज इंडीड 3? सर यू आर सॉल्विंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस? फर्स्ट एंड सेकंड. सर x मिला ना y मिला. हां x का वैल्यू, ओ सॉरी, x का वैल्यू 1 रखना है ना. आई एम सॉरी, x का वैल्यू 1 रखना है. तो 2 into 1 minus y minus 5 is equal to 0. तो y का वैल्यू -3 आ रहा है. कैन एनीबॉडी कंफर्म दिस? हां सर, यस सर. 1, -3. तो फर्स्ट दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है 1, -3. अभी क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि जो तीसरा लाइन है, वो जो तीसरा लाइन जो है 4x - y - 7 = 0, ये तीसरा लाइन भी 1, -3 से ही पास करेगा क्या? वो कैसे चेक करूं? इफ इट इज सर, हम लोग एक्शन वन कॉमा माइनस थ्री पुट करें, जीरो आंसर आ गया तो करेक्ट चेक कर लो. बस सही कह रहे हैं, 1, -3 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्या? चेक कर रहे हैं. तो 4 × -3 - 7 सिंपलीफाई करेंगे तो 4 + 3 - 7 आएगा, विच इज 0. तो दैट मींस 1, -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो दैट मींस जो अपना गिवन लाइन है वो भी उसी पॉइंट से पास करेगा, वो भी उसी पॉइंट से पास करेगा. सो देयरफॉर द आंसर इज यस. Yes, they are concurrent. Question ये था कि तीनों लाइन concurrent है कि नहीं चेक करना था. तो हमने the most basic way किया, हमने कि दो lines को solve किया, हमने दोनों lines को solve करके जो point मिला 1, -3 वो तीसरे को satisfy कर रहा है कि नहीं, हमने check किया. पहले procedure समझ में आना कि किया क्या है, पूछा क्या है. Okay, Niyati. What about others? Should we? Do you have any doubts or what? Do you need time to copy down or solve, or should you go on to the next question? Answer. Just a second. Sure. Was it considered as a tough question or an easy question? Sir, after understanding the method, it looked easy. Okay. So. ओके, तो कॉन्करेंसी पहले हुआ नहीं है. यस सर, इट इज नॉट डन प्रीवियसली. ओके, गुड. तो ऐसे कितने लाइंस हो सकते हैं जो इन लाइन से कॉन्करेंट होंगे? सर, इनफिनिट लाइंस ना. यस, इनफिनिट लाइंस एक्चुअली. ऐसे दुनिया में इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं जो इनके साथ कॉन्करेंट होंगे. इन सारे, ये सारे लाइंस, दिस ऑल लाइंस आर सेट टू बी बिलोंगिंग टू अ फैमिली. दिस इज अ मैथमेटिकल वर्ड ओनली. फैमिली ऑफ लाइंस बोलेंगे. फैमिली ऑफ लाइंस मतलब अ ग्रुप ऑफ लाइंस विच आर ऑल कॉन्करेंट. ओके, फैमिली ऑफ लाइंस. श्योर. Family of lines is a technical word only, mathematical word. हम लोग family of lines भी आज discuss कर लेंगे. हो गया तो बताना, जिसने भी जस्ट अ सेकंड बोला है. हो गया सर, हो गया, अभी हो गया. ओके, नाउ एक नोट करके एक चीज लिख लेना. फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंसी चेक करने के लिए दिस इज अ जनरलाइज्ड वे व्हिच वी हैव डन. फॉर एग्जांपल, इफ द थ्री लाइंस a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, जनरलाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं. a3x + b3y + c3 = 0 आर कॉन्करेंट. देन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक तरीका यह है कि फर्स्ट दोनों लाइंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा,
उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को तीसरा लाइन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं चेक करेंगे। अगर तीसरा लाइन सेटिस्फाई करेगा तो तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो जाएंगे। ये प्रोसीजर में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको शॉर्टकट की तरह ट्रीट करो। इफ दीज थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, इट इज एनफ टू चेक इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 is zero. If this determinant becomes zero, then also we say that these three lines are concurrent. Like for example, previous question में method two की बात करें तो हम लोग determinant check कर सकते हैं concurrent है कि नहीं। Determinant of क्या चीज लिखना है? Coefficients। कोई देख के बता सकता है क्या coefficients क्या है पिछले question के straight line के coefficients? X का कोएफिशिएंट क्या था पहला लाइन? सर टू, फिर माइनस वन और माइनस फाइव। नेक्स्ट वाला थ्री, माइनस वन, माइनस सिक्स क्या? ओके। और थर्ड वन फोर माइनस वन माइनस सेवन। तो ये डिटरमिनेंट हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद इसको सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं? टू टाइम्स क्या होगा? टू टाइम्स सेवन माइनस सिक्स। हाँ, टू वाले का रो और कॉलम छोड़ के बाकी का एक्स की तरह मल्टीप्लाई करना है। दैट इज राइट, सेवन माइनस सिक्स इज राइट। सेवन माइनस सिक्स, माइनस वन इंटू माइनस सेवन माइनस सॉरी सेवन माइनस ऑफ माइनस वन इंटू माइनस सिक्स। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट कौन सा नंबर लिखूं? सर माइनस वन आएगा ना? माइनस वन आएगा कि प्लस वन आएगा? सर प्लस आएगा, लेकिन फिर आप माइनस साइन इसलिए माइनस हो जाएगा ना? माइनस ऑफ माइनस वन होएगा, माइनस ऑफ माइनस वन इसीलिए प्लस हो गया। हाँ, फिर उसके बाद ये थ्री इंटू माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी फोर। फिर लास्ट में फिर माइनस फाइव इंटू जो भी रहेगा माइनस थ्री प्लस फोर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू इंटू सेवन माइनस सिक्स टू हो गया, फिर बीच वाला प्लस थ्री हो गया, लास्ट वाला माइनस फाइव हो गया, जो कि सिंप्लीफाई होकर जीरो हो गया। सिंस इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, तो देयरफॉर दे आर कॉन्करेंट। दिस इज अ सेकंड मेथड टू डू दिस सम। तो हम लोगों को टाइम थोड़ा सा बच जाएगा सॉल्विंग द इक्वेशन करके सेटिस्फाई करेगा कि नहीं वो करने की जगह। जस्ट राइट डाउन दिस मेथड, नहीं समझा तो भी यू हैव दिस द अदर मेथड ऑल्सो, सॉल्व करके चेक कर लेंगे। बट दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल, डिटरमिनेंट वाला। आपका वीडियो पिन कर दे रखो ना सर। क्या क्या सर? आपका वीडियो पिन कर लो ना सर, क्योंकि जो भी बोल रहे बाद में उसका आ रहा है। माइक क्लीन करूंगी बोर्ड वाला। सर आपका वीडियो पिन करके रखो सर, क्योंकि जो कोई भी बोलता है ना तो सर आपका स्क्रीन हट जाता है। ओ पिंड ही है फिलहाल, कोई और बोल रहा है तो हट जा रहा है क्या? हां सर, अनपिन कर सकता हूँ बट पिन तो था वापस। देखो वापस से पिन किया मैंने, लेट अस सी कोई और बात करता है तो। हाँ यश बता। तो देखा सर अनपिन, आपका स्क्रीन हट गया। क्या माना आपस में सर? अभी यश ने बोला तो सर आपका स्क्रीन हट गया, उसका स्क्रीन हट गया। Oh, is it the same scenario with all everybody else? मतलब कोई नहीं सर, मैंने आपको पर्सनली पिन कर दिया तो मेरे में प्रॉब्लम नहीं आ रहा अभी। वो तू खुद भी पिन कर लेना मानव, वो इजी रहेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट ये हो गया तो बताओ गाइस, एक क्वेश्चन दूं क्या इसके ऊपर तुम्हें सॉल्व करना है? Do you want to solve a question based on it or not? Or doesn't matter? Okay, ek question kar lete hain fir. Prove that the three lines x plus y plus 1 equals to 0,
x plus y plus 1 equals to 0, 2x plus 3y plus 4 equals to 0, 2x plus 3y plus 4 equals to 0, फिर 3x plus 2y plus 1 equals to 0 are concurrent. Prove that these three lines are concurrent. Prove that these three lines are concurrent. डाउट होगा तो टेक्स्ट करके पूछो या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ. नाउ आर यू गाइस सॉल्विंग इट यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड और द फर्स्ट मेथड? सर सेकंड मेथड से. सेकंड मेथड से. आई वुड एडवाइस दैट ट्राई करो एक बार. इफ थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट वी जस्ट हैव टू चेक दिस डिटरमिनेंट इफ इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो और नॉट. प्रूव दैट बोला है तो यू हैव टू प्रूव दैट इट इज जीरो ऑफ कोर्स. ओके किसी का प्रूव नहीं हुआ? सर मैंने कर लिया. ओके ओके नहीं है थी. नाइस प्रव्या. सो थ्री स्टूडेंट्स हैव डन सो फार. जल्दी करो. आई वांट टू डू अ टफर कॉन्सेप्ट देन दिस. Gayatri, are you there? Okay, good one. Jaldi karo, others also, are you guys done or are you guys just waiting ki time waste ho? Aise aayenge numbers, 1 into 3 minus 8. फिर माइनस. सर वो प्लस वन कैसे आया? ये वाला वन. ये वाला वन बोल रहे क्या? आई डोंट नो इफ योर डाउट इज बीन क्लियर्ड और नॉट. ये वाला वन फिर ये नहीं सर, वो जो पहले दिखा था ना वो वाला ही. ये वाला वन नहीं सर, वो एरो मार के दिखा है ना फर्स्ट में स्टार्ट. अच्छा, में तुझे क्लियर हुआ कि नहीं डाउट? नहीं अभी हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया. ओके क्रिश. जल्दी करो गाइस. व्हाट अबाउट यू आयुष, आर यू देयर? यस सर. समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर. तो बता ना कि हो गया. तो नहीं सर, वही सॉल्व कर रहा था इसी. अच्छा अभी सॉल्व ही कर रहा है क्या? हाँ. जल्दी कर. What about others? Akshay, Anil, Dhanraj, Ethan. ठीक है. Okay. Should we like ठीक है. Let us make the same concept और जितना हो सके उतना करते हैं. तो थ्री लाइंस कॉन्करेंट है कि नहीं ये चेक करने का तरीका है गाइस. डिटरमिनेंट जीरो है कि नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आना चाहिए. आई डोंट नो बाकी लोगों का आया कि नहीं. सर आया. माइनस फाइव प्लस टेन माइनस फाइव आएगा जो कि जीरो हो जाएगा. ओके
मतलब ठीक है, बहुत कम लोग रेस्पॉन्सिव है, तो अभी क्या कर सकता हूँ, थोड़ी देर वेट करूंगा एंड आई अज्यूम कि या तो फॉलो नहीं कर रहे हो या हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आज, नया कॉन्सेप्ट जो आज लाइंस में करेंगे, विच इज कॉल्ड एज फैमिली ऑफ लाइंस, विच इज कॉल्ड एज फैमिली ऑफ लाइंस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फैमिली ऑफ लाइंस. सबसे पहले फैमिली ऑफ लाइंस का इंटेंशन ये है, this is a collection of lines, this is a collection of lines which will pass through the same point. Family of lines is basically a collection of lines which will pass through the same point. Isme kisi ko doubt hai kya family of lines ke concept mein? Collection of lines which are concurrent at one point. Acha, maan lete ek line hai jiska equation l1 karke bulayenge, ek dusra line hai jiska equation l2 karke bulayenge, dusra equation hai l2 karke. Acha, now try to understand. जैसे कि x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो है, कुछ और 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन है. तो इफ आई आस्क यू फैमिली, इस फैमिली में बिलोंग करते हुए, इस फैमिली में बिलोंग करते हुए कोई नया लाइन बता सकते हो क्या? कैन यू गाइस थिंक कि बता, कैसे बताना चाहिए एक और लाइन जो इन्हीं फैमिली को बिलोंग करेगा, इन्हीं फैमिली को बिलोंग करेगा. मतलब ये हुआ लाइन वन, ये हुआ लाइन टू, तो लाइन वन लाइन टू कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे. तो एक ऐसा नया लाइन ढूंढना है, एक नया लाइन ढूंढना है जो इन्हीं फैमिली को बिलोंग करेगा. तो वो लाइन की खासियत क्या होनी चाहिए, वो नए लाइन की खासियत? सर वाई और एक्स की वैल्यू इक्वेशन में ऐड करने के बाद जीरो आना चाहिए पूरा इक्वेशन का आंसर. हाँ, वो ये कह रहा है कि अगर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट अस कॉल इट एज एक्स वन कॉमा वाई वन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वन वाई वन है, वो जो नया लाइन है, वो नया लाइन है, उस लाइन को भी एक्स वन वाई वन सेटिस्फाई करना चाहिए. ओके, उस लाइन को भी एक्स वन वाई वन सेटिस्फाई करना चाहिए. इज एवरीबडी इन अग्रीमेंट विद दैट? यस सर. ओके, नाउ ये एक्स वन वाई वन अगर बाई चांस फर्स्ट वाले में पुट करूं तो क्या बनेगा? वो फर्स्ट वाले में पुट करेगा तो जीरो बनाएगा क्या उसको, फर्स्ट लाइन को? तो थोड़ा सा सोच के बताओ कि इस चीज को जीरो बनाएगा क्या. एक्स प्लस वाई प्लस वन प्लस कुछ और नंबर, रैंडम नंबर 10 ले लिया, 10 टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 7, ये जो एक्सप्रेशन है इसको भी x1 y1 जीरो बनाएगा कि नहीं? इस एक्सप्रेशन को कैसे बनाएगा, क्यों बनाएगा? x plus y plus 1 is equal to 0, फिर 2x plus 3y plus 7 is equal to 0, तो 0 multiplied by 10 इसका भी जीरो ही हो गया. परफेक्ट, दैट इज राइट, बिकॉज एक्स वन वाई वन इसको भी जीरो बनाएगा, एक्स वन वाई वन दूसरे लाइन को भी जीरो बनाएगा, तो एक्स वन वाई वन ये कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन को भी जीरो बनाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन. तो ये जो नया लाइन है इसको अगर मैं और थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिखना है, मतलब 10 मल्टीप्लाई करके, लाइक 21x, 10 into 2, 20 plus 1, फिर क्या होगा, प्लस 31y प्लस 71 इज इक्वल टू जीरो. ये जो लाइन है ये भी इसी फैमिली में बिलोंग करेगा. आर यू गाइस अग्रीइंग विद दिस? अच्छा, नाउ इफ आई टेल यू एंड कैन यू गिव मी एन अनदर लाइन व्हिच इज बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, कैन यू गिव मी एन अनदर लाइन व्हिच इज बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली? कोएफिशिएंट दूसरा ले लेंगे, 10 दूसरा ले लेंगे, 10 की जगह क्या लिख सकता हूं, 9 और समथिंग एल्स, 9 भी लिख सकता हूं. अच्छा, नाउ ऐसे नहीं लिख, 1/9 भी लिख सकता हूं क्या 10 की जगह? हाँ सर, कोई भी वैल्यू 1/9 लिखेंगे तो 9 जो है इट इज लाइक फर्स्ट लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया. मतलब कहने से इसको 11 और इसको 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नया लाइन मिलेगा जो सेम फैमिली को बिलोंग करेगा. यस सर. तो अच्छा, तो सही कह रहे हो. तो इसी चीज को अगर मैं एलोबरेट करूं, फैमिली ऑफ लाइंस एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, तो कैन यू टेल मी जनरलाइज्ड वे टू राइट डाउन फैमिली ऑफ लाइंस, जनरलाइज्ड वे, मतलब एक नया लाइन इस तरीके कैसे लिखना चाहिए, लाइक L1 और L2 का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? L1 प्लस कैन आई से सम लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0. लैम्डा कैन बी एनी नंबर, 10 11 12 √2 √3 1/2 0 और एनीथिंग.
lambda can be any. One can also say it can be like this also. AL1 plus BL2 is equal to 0. Matlab, lambda agar fraction mein rahega to cross multiply ho sakta hai. So basically, family of lines is oftenly written as L1 plus lambda L2. Ye achha preferably ye use karenge kyunki ek hi variable hai. But yaad rakho, L1 ko bhi kuch multiply ho sakta hai. AL1 plus BL2 is a generalized family of lines. Okay, family of lines, jab abhi ye naya word hai, family of lines karke question mein agar aaye, to let the equation of the line be L1 plus lambda L2 karke lena, aur lambda ko dhoondne ke liye koi na koi tum logon ko hint denge. So that is the rest of the question. Iske upar main dikhaunga questions kaise poochte hain, pehle isko copy kar lo. सर इसको जो जनरल फॉर्म है उसको हम लोग बीटा L1 प्लस लैम्डा L2 नहीं लिख सकते क्योंकि जरूर लिख सकते हैं बीटा L1 प्लस लैम्डा L2 इज सेम एज दिस वन AL1 प्लस BL2 उसी को बीटा L1 प्लस लैम्डा L2 देख के ऐसे और डरावना सा लगेगा तो लोग क्या करेंगे ना बीटा को डिवाइड कर देंगे बीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा L1 प्लस लैम्डा बाय बीटा L2 इज इक्वल टू 0 लैम्डा बाय बीटा को नया लैम्डा बुला रहे हैं समझ गया ना वही बात है बट व्हाट यू हैव सेड इज मच मोर एक्यूरेट देखो किसी को थोड़ा भी डाउट है तो पूछो फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब समझो इट इज अ न्यू लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो हाउ टू फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस इज व्हाट वी लर्न टुडे फैमिली ऑफ लाइंस तो इनफाइनाइट है उन इनफाइनाइट फैमिली ऑफ लाइंस में एक ऐसा लाइन ढूंढना है जो स्पेशल है which we'll discuss वो अलग अलग टाइप का हिंट्स रहेगा क्वेश्चन में थोड़े तीन चार क्वेश्चन रहेंगे that we'll do today family of lines is just the beginning family of lines के बाद आगे family of circles आएंगे family of ellipses आएंगे बहुत सारे families रहेंगे like all the planets go around in an elliptical orbits all these elliptical orbits are in a family that family is named as solar system because the sare ellipses mainly sun ke around ghum rahe okay ho gaya to zarur batao sir done everybody in the class nahi sir 2 minute sure एक क्वेश्चन देता हूं इसके बाद लिखने के बाद तो तुम लोग अपना दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं फिर वी विल डिस्कस द टू मेथड्स टू डू दैट क्वेश्चन आई विल डिस्कस बोथ द मेथड्स तुम लोग दिमाग लगाओ खुद का लॉजिक क्या है बताओ नहीं सॉल्व हो रहा है तो भी चलेगा जस्ट लॉजिक क्या है बता दो तो उस लॉजिक को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन विल पुट इट ओके हो गया लिख के जिसको लिखना था Okay. Done. Find the straight line passing through find the straight line passing through the point of intersection Find the point of intersection of the lines 2x plus 3y plus 5 equals to 0 and 5x minus 2y minus 16 equals to 0. Find the equation of the line passing through the point of intersection of these two lines and also passing through the point -1, 3 and also passing through the point -1, 3. Find the equation of the straight line passing through the point of intersection of these two straight lines and also passing through -1, 3.
Okay, the numbers are not convenient, but still give it a try. I'll give you 2 to 3 minutes to think about an algorithm or a method or a logic. फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि लॉजिक सही है तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट बाय सॉल्विंग द सॉल्यूशन. नहीं समझ में आ रहे तो भी लॉजिक मुझे बताओ. क्वेश्चन मैंने लॉजिक डेवलप किया, मैं बता सकता हूं. सिद्धार्थ लॉजिक बता रहा है? यस सर. 2 मिनट के बाद बता सकते हैं क्या, सो दैट अदर्स कैन आल्सो थिंक इन द मीन टाइम? ओके सर. आई विल आस्क यू फर्स्ट. Try, can I just come back in 1 minute? अदर देन सिद्धार्थ कोई बताना चाहता है क्या? एनीबडी अदर देन सिद्धार्थ हु वांट्स टू गिव एनी सजेशन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन? भव्य, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट लिसन टू यू आल्सो. बता सिद्धार्थ. बताओ सिद्धार्थ क्या सोचा? Yes sir, we will simultaneously solve the first two equations and we'll get the points of the coordinates abscissa and ordinate, and the second point is also passing through the same point, so we can find it using slope point form. First we will find the slope and then we'll put the values in the equation. That is perfectly right, Siddharth. Okay, thank you sir. What about you, Bhavya? Same bataya tune. Okay, anybody else, any other thought process? ठीक है, जो इन लोगों ने बताया उस थॉट प्रोसेस को लिखते हैं. लेट अस नॉट सॉल्व इट कम्प्लीटली, लेट अस कॉल इट एज मेथड वन. मेथड वन, मेथड वन में उन्होंने ये बोला कि फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस. तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे वैसे वैसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. पहली चीज उन लोगों ने क्या किया, इन दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने की कोशिश की. ओके, बाई चांस डिड एनीबडी इन द क्लास फाइंड इट आउट? ओके, चलेगा, इट्स ओके, इट्स ओके. हाँ क्या बता रहे हैं, कुछ वैल्यू बता रहे हैं क्या? 2 कॉमा माइनस 3 इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. गुड वन, थैंक यू भव्या ने बताया शायद. नाउ वी हैव टू फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड आल्सो पासिंग थ्रू दिस न्यू पॉइंट -1.3. सो ये लाइन का इक्वेशन क्या है ये ढूंढना है. तो हमें फिर ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट भी पता चल गया, तो फिर ये दोनों पॉइंट से उन लोगों ने फिर स्लोप निकाला. स्लोप इज y2 - y1 / x2 - x1 ये सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा. फिर स्लोप मिल गया, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1. सो इसको सॉल्व करके हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा, y+3 = -2x + 4 or 2x + y - 1 = 0. This is the way to solve it. Simple method, very nicely done. चलेगा, ये thought process और किसी को नहीं आया कि it's so sad कि सिर्फ दो लोगों को आया है. See, it is written in English only, guys. Try to translate it in maths, mathematical equations. ठीक है, ये method one लिख लो. फिर आई विल टेल यू द सेकंड मेथड. इन द मीन टाइम सिद्धार्थ एंड भव्या, कैन यू गाइस थिंक हाउ टू यूज फैमिली ऑफ लाइंस जस्ट फॉर 1 मिनट एंड नॉट टेल इट लाउड?
Sir, can you repeat what you just said? What might be a second method is what I'm asking. Okay. चलेगा मेथड वन एरेज कर रहा हूँ गाइस मेथड वन इज बीइंग एरेज्ड सर एक सेकंड कॉपी करना बाकी है ओके ओके फर्स्ट स्टेप था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना उन लोगों ने बताया तो मैंने लिख दिया बट जिन लोगों ने डाउट ही नहीं पूछा या कुछ इन्वॉल्व नहीं हुआ डिस्कशन में आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ डिड ही गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा दो लाइन्स का दोनों लाइंस का स्लोप निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है दो लाइंस के बीच का जो पॉइंट होता है हाँ तो ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे तो ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे मतलब दोनों लाइंस को क्या करना चाहिए सॉल्व सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा 2, -3 वो पूरे स्टेप स्किप कर दिया बिकॉज समबडी टोल्ड मी किसी को डाउट है तो वो वाला पॉइंट भी बताओ एलोबरेटली सॉल्व इट मानव साइमल्टेनियसली सॉल्विंग तो आता है ना यस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद क्या क्या आई होप अदर्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दो पॉइंट है एक पॉइंट गिवन था जहां से पास करेगा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा हमने हमें ऐसा लाइन ढूंढना है जो इन दोनों से पास करेगा तो फिर स्लोप ढूंढा दोनों लाइन से फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया y2 - y1 / x2 - x1 इज द स्लोप फिर स्लोप के बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 = m × x - x1 ओके एनीबडी स्टिल राइटिंग दिस मेथड नो सर ओके नाउ सेकेंड मेथड में ये देखो वंस अगेन दोनों लाइंस दे रखे एक लाइन है कुछ तो 2x - 3y + 5 = 0 और दूसरा है 5x - 2y - 16 = 0 हमें एक ऐसा लाइन ढूंढना है फाइंड अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स तो कैन आई से दिस न्यू लाइन बिलोंग्स टू सेम फैमिली Can I say that my required line belongs to the same family? Yes, okay, Nihar. I don't know if you're talking or if it's some disturbance. Okay. Ek second. Nihar, main tujhe mute kar raha hun. Now, this new line belongs to the same family of these two lines. So, let us consider the required line. Let us consider my required line. As what should I consider my required line as according to family of lines? Family of lines ke accordingly, us line ko hum log L1 + λ L2 karke maan sakte hai. L1 + λ L2 = 0 maan sakte hai. So this is the way to solve the second method. Is question mein it might seem lengthy or whatever complicated, but this is the way to understand it also. So, let us consider the new line as L1 + λ L2. ये क्यों consider किया? Because my required line belongs to the family of lines. कैसे पता family of lines है? Because my required line passes through the point of intersection of these two lines. ठीक है? L1 + λ L2. L1 की जगह लिख देंगे 2x - 3y + 5 plus L2 की जगह दूसरी line 5x - 2y - 16 = 0. ये हो गया. अच्छा नाउ लैम्डा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन हमें कैसा लाइन चाहिए वैसा लाइन चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है इट इज पासिंग थ्रू -1, 3 हाउ शुड आई यूज दिस फैक्ट दैट इट इज पासिंग थ्रू -1, 3 हाउ शुड आई यूज दिस फैक्ट दैट इट इज पासिंग थ्रू -1, 3 लैम्डा पे कैसे रेस्ट्रिक्शन यस बताओ x की जगह -1 और y की जगह 3 पुट कर देंगे तो 2 - 1 - 3 - 3 + 5
प्लस लैम्डा टाइम्स 5 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, कुछ खास बात है नहीं। जो मैं लैम्डा का वैल्यू कुछ तो आ जाएगा 4/9 टाइम्स, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू 4/9 आ गया, तो लैम्डा का वैल्यू 4/9 आने के बाद फिर क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू 4/9 आ गया, हमें ढूंढना तो लाइन है, तो लाइन हमें ढूंढना है और लैम्डा का वैल्यू 4/9 मिल गया, तो वी विल पुट बैक लैम्डा का वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन ऑफ द लाइन। लैम्डा का वैल्यू वापस से पुट कर देंगे, दिस विल कम 2x माइनस 3y प्लस 5 प्लस 4/9 टाइम्स दिस थिंग 5x माइनस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 2 जर 18, 18 प्लस 20 आ जाएगा, ठीक है 38x, फिर क्या आएगा माइनस 27 माइनस 8, माइनस 27 2x, मैंने लाइंस गलत लिखे क्या, 2x प्लस 3y था कि माइनस 3y था, प्लस 3y, प्लस 3y मुझे भी लग रहा था, 2x plus 3y तो कितना आ जाएगा 9 3 27 minus 8 19y और सर लैम्डा के वैल्यू में भी चेंज आएगा ना। हाँ लैम्डा का वैल्यू तो 4/9 आया, नहीं सर माइनस की जगह प्लस करेंगे तो चेंज तो आ जाएगा ना लैम्डा के वैल्यू में। नहीं मैंने तो यहाँ यही पे डाल के देखा था, तो मैंने प्लस डाल के देखा था प्लस वाले में, वही चेक कर रहा हूँ। आई होप आई हैव डन इट राइट। 2x plus y minus 1 equals to 0। फर्स्ट मेथड से भी यही लाइन आया ना? हाँ सर ठीक है। सर इसका एक और मेथड हो सकता है क्या? बताओ। हाँ सर हमारे पॉइंट्स अगर माइनस 1 और 3 से पास कर रहे हैं, तो अगर हम इसे ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं तो वो लाइन वो 5x minus 2y minus 16 के पैरेलल आ जा रहा है। So we can also find the slope. It's not satisfying minus 1, 3. Minus 16 आ रहा है। No, no, sir. I am saying we just have to plot the points and see that the two lines are parallel or not. The two lines seems quite parallel, no? Which two lines? I think you're misunderstanding something. देख ना, ये दोनों lines है और x axis y axis है और -1, 3 कही है, -1, 3 कही है, तो फिर क्या बोल रहा है, तो required line जो है वो one of the lines से parallel रहेगा? No sir, got it। ठीक है। Okay, ये वाला method समझ लो, एक बार 4/9 check कर लो, of course correct ही रहेगा, उसे answer आया था। इधर है। जस्ट सेकंड मेथड में क्या है कि फायदा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा नहीं हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढे भी ना लाइंस और लाइंस को मैनिपुलेट करके ही एक और नया लाइन ढूंढ लिया। सो यहाँ पे फायदा यह है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओमिट कर सकते हैं, ये ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में बहुत फायदा होगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी टाइप का, एक सेकंड सर ये कॉपी करना है। श्योर ये कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट हो रहा है कि बहुत हाईफाई लग रहा है? ठीक है, आई विल गिव मोर क्वेश्चंस देन।
हो गया लिख के डन। नहीं सर। ओके ओके, बहुत टाइम लगाते यार लिखने के लिए तुम लोग। सबसे स्लो कौन लिखता है? सर प्रोबेबली मैं ही होऊंगा। ओके ओके क्रिश, होपफुली बिकॉज यू आर एटलीस्ट रिप्लाइंग। नोट्स वगैरह अच्छे से लिखते हो ना तुम लोग? क्लास के साथ ही लिख लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। सर मैं पहले रफ बुक में लिखता हूँ फिर फेयर नोट में लिखता हूँ तो टाइम लगता है। टाइम लगता है, रफ बुक को ही फेयर बना दे। नहीं सर, उसमें फिर मैं कभी कभी मिस्टेक्स करता हूँ ना तो फिर वो बुक नीट नहीं रहता, मैं बहुत कैंसिलेशन बहुत करता हूँ तो। चलेगा ना, वो कैंसिलेशन याद भी रखना चाहिए जो गलत किया। Are you guys done? Krish? Yeah. So last line likh raha hu. Theek hai, theek hai. So lambda ka value 4/5 hai. 4/5 aa raha hai kya? Ha sir. Okay. Theek hai, check kar le. इधर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडन ये वाला पूरा एक्यूरेटली करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ट्राई टू यूज मेथड टू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 पासिंग थ्रू 2, -3 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x - y - 8 = 0 एंड x + y + 4 = 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स रिटन ऑन द बोर्ड 3x - y - 8 = 0 एंड x + y + 4 = 0। Sir, could you repeat the question? Find the equation of the line passing through the point 2, -3 and also passing through point of intersection of these two lines. Guys, I want you to, like, I'm highly encouraging you guys to use family of lines. Let equation of the line be. क्या assume कर रहे हैं equation of the line को? L1 plus lambda L2. That is right. L1 क्या है? L2 क्या है? You should know. और फिर lambda का value कितना आ रहा है बताओ? और lambda कैसे ढूंढना है समझो? I'll give you 1 minute maybe. That's enough. Five by nine lambda. Okay. Can anybody else confirm if it is 5/9? वो two minus three plus four होगा ना? 2, -3 point है ना? Check कर 5/9 ही आ रहा है क्या? -1/3 आ रहा है. Sir, मेरा wrong होगा. मैंने 2, -3 लेके किया था. Okay. ओके जिसका -1/3 आया फाइनल आंसर भी होता है शायद
तेरा मेरा एल वन एल टू उल्टा है शायद। नहीं नहीं करेक्ट है करेक्ट है। नहीं नहीं सही है। okay. और कोई बता सकता है कि लैम्डा क्या आ रहा है? एनीबडी एल्स हु गॉट इट? दैट सीम्स करेक्ट नहीं होती। फिर लैम्डा को पुट करके फिर लाइन का इक्वेशन भी टेक्स्ट कर दे। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? ऐसे लग नहीं रहा है कि 30 स्टूडेंट्स प्लस है क्लास में। सर लैम्डा -1/3 आ रहा है। हाँ बाकी दोनों ने भी यही बोला। व्हाट अबाउट यू? हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? याया याया ऋषांक वेदांत सूर्या श्रीवर्धन ओके ओके याया nice name here it's so nice to pronounce sakshi doubt hai to batao lambda ka value check karo others aur lambda ka value aane ke baad put it back to find the equation of the line एक ने भी लाइन का इक्वेशन नहीं भेजा अभी तक। कांस्टेंट गलत आ रहा है भव्या। कांस्टेंट का टर्म गलत है। आई डोंट नो व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग। आयुष गायत्री नियति कांस्टेंट गड़बड़ हो गया शायद। Atx -4/-28 हाँ कुछ डिवाइड भी होगा ना 4 से और समथिंग। यस सर वी कैन नियति तूने 8 3 8 3 24 लिखा कि क्या किया चेक कर। 3 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी -3 पुट करना है। मैंने वापस से लाइन का इक्वेशन रॉन्ग लिखा शायद। मिस्टेक सर चेक करो लैम्डा -1/3 है। सर इक्वेशन आ गया। Yes, -1/3 will put it back in the equation of the line. That's all. See, this concept is highly important. Line 1 plus lambda times line 2 will give us a new line belonging to the same family. Okay, try the next question. I'm skipping and moving on. Kisi ko doubt hai to now is the time to stop and ask. Okay, next question. Prove that. It's an easy question. Kam responsive hai log to. Easy de raha hu. Ek second, just a minute. Prove that 1 plus 2 lambda into x plus 1 minus 3 lambda into y is equals to 5 lambda. Prove that 1 plus 2 lambda into x
plus 1 minus 3 lambda into y equals to 5 lambda represents family of lines. Represents family of lines. Hence, find point of intersection. Hence, find point of intersection. Prove that this represents a family of lines, and hence find the point of intersection. Just give it 1 minute. ओके उल्टा पूछा है फैमिली ऑफ लाइंस को यूज करने की जगह दे हैव ऑलरेडी गिवन फैमिली ऑफ लाइंस सो सबसे पहले इज इट फैमिली ऑफ लाइंस तो तुम्हें लैम्डा इज द मेजर हिंट हियर तो पहले ब्रैकेट्स को ओपन करो और लैम्डा को कॉमन निकालो ब्रैकेट्स ओपन करो ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड Sir, I am getting lambda as x plus y divided by 5 minus 2x plus 3y. Oh, don't divide it. Keep it on the left side only. Don't divide it or cross multiply. Keep it on the left side. Like, what does that mean? Like, can you help me out? Expand karenge to kya aa raha hai? X plus y is equal to x plus 2 lambda x plus y minus 3 lambda y और 5 lambda को भी left side लेके आ गया मैं ठीक है तो x plus y और बाकी में से lambda common निकालेगा तो क्या आया सर मैंने equal to के उधर ले गया था वो lambda वाला पूरा equation चलेगा तो क्या left side लेके आ गया ना उसमें क्या है अभी ऐसे लिखने की वजह से फायदा क्या है तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पे ये 2x minus 3y minus 5 ये क्या चीज होता है ये तो लाइन का इक्वेशन होता है ना यस सर ये भी एक लाइन का इक्वेशन है तो यू हैव रिटन द गिवन क्वेश्चन यू हैव रिटन द गिवन क्वेश्चन एज लाइन इट इज इन द फॉर्म ऑफ l1 plus lambda l2 सो डोंट यू थिंक बिंगो हो गया क्वेश्चन यस सर हो गया सिंस यू हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ l1 plus lambda l2 देयरफॉर It will represent a family of lines. Therefore, it will represent a family of lines. Now, next part of the question is, hence find the point of intersection. How should I find the point of intersection of this family of lines? By simultaneously equating. Yes, by simultaneously solving these two lines only. Just by solving these two lines. Solving the lines x plus y is equal to 0. And 2x minus 3y minus 5 is equal to 0. Bas solve karo aur x and y milega. Batana jaldi solve karke. Solving part, I'm guessing everybody knows here. First wale ko 2 multiply karke subtract karo. Aur, Bhavya, I think it is wrong. चेक करना सेकंड इक्वेशन में 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा ना भव्या सर इस पर x plus y और 2x minus 3y minus 5 को सॉल्व करना है ना हाँ हाँ सर मानव तो जानबूझ के डाउट पूछता है कि सही में डाउट आता है अरे डाउट थोड़ी था सर अच्छा अच्छा ओके ओके बता रहा था ओके कैन यू सॉल्व इट फास्ट अदर्स
आयुष करेक्ट है. नाइस टू सी योर आंसर. अनिल है क्या? आर यू इवन देयर अनिल? यस सर. ओके ओके सर. वन वन आ रहा है क्या? वन वन नहीं आ रहा है. एक्स कोऑर्डिनेट वन है. सर वाई माइनस वन होगा. हाँ सिद्धार्थ, बहुत मिस्टेक्स करते है क्या तू सॉल्विंग के टाइम? नहीं सर, वो जल्दी जल्दी में हो जा रहा है ना, जल्दी सॉल्व करना रहता है. हाँ लेकिन इतना जल्दी तो यार एक्सपेक्टेड ही है ना, एग्जाम में तो और जल्दी करना पड़ता है शायद. यस सर. ओके, अदर शुड आई वेट फॉर सम टाइम और शुड आई गो अलोंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ रहा है? तू बता. नियति करेक्ट है. तुझे क्या है वो बता ना. बता यार, रॉन्ग होगा तो ऐसे थोड़ी है कि स्क्रीन से बाहर आके कुछ मारूंगा. सर y माइनस फाइव आ रहा है. ओ नहीं, y का वैल्यू फाइव और फाइव कैंसिल होगा, हो जाएगा. चेक कर अच्छे से. पॉइंट माइनस वन कॉमा वन होगा. रिवर्स आया मानव. सर x माइनस वन होगा. नहीं, x प्लस वन आता है सर. इसे तो सब्स्टिट्यूट भी करके बना सकते हैं ना, x इज इक्वल टू माइनस वाई करके फिर सेकंड इक्वेशन में डाल के फिर वैल्यू निकाला जा सकता है. जरूर, उसी को तो सॉल्विंग करते हैं कहते हैं. नहीं मतलब सर साइमल्टेनियस में फिर फंसना नहीं पड़ेगा. हाँ हाँ, ये तो इजी इक्वेशन है सर. इंटरसेक्शन 1 कॉमा माइनस 1 है क्या? हाँ 1 कॉमा माइनस 1 है. यार तुम लोग आईसीएससी से हो कि सीबीएसई से हो? सर आईसीएससी. आईसीएससी में तो 9th स्टैंडर्ड में एक वो भी था ना, एक सॉल्विंग सिस्टम, सॉल्विंग इक्वेशंस करके चैप्टर था. हां नहीं, 10th में ही था सर ये चैप्टर. नहीं सर, हमारा 9th में था. बट था ना यार, ऐसे थोड़ी है, तुम लोग इतना टाइम थोड़ी लगाओगे सॉल्व करने के लिए. या एम आई गोइंग फास्ट और एम आई एक्सपेक्टिंग मोर? क्या ठीक है चलेगा. ये दिस विल बी ऑन द बोर्ड बट द आंसर इज 1 कॉमा माइनस 1. एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट माइनस 1. देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु आर फास्ट लाइक सॉल्विंग इट वेरी फास्टली. सिमिलर क्वेश्चन है, सेकंड वाला सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे. प्रूव दैट x इंटू ए प्लस टू बी प्लस y इंटू ए प्लस थ्री बी इक्वल्स टू ए प्लस बी रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस, हेंस फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. Hence find point of intersection. Same similar सा question है, थोड़ा सा complicate, making it look complicated basically. Prove that this represents family of lines and hence find the point of intersection. You guys need help or time? Sir, y minus 1 है क्या? हाँ यार. Sir, आ गया मेरा. बहुत ही अच्छा किया. X coordinate भी text कर दे. भव्या correct है.
Kuman, Niyati, you can also do it fast now. Ayush also. Siddharth, Gayatri, Manav. Sir, मैंने तो बता दिया. हाँ हाँ, x coordinate भी बताया क्या तूने? Text कर दे. सर, text कर दिया था मैंने. क्या भव्यन है ना? हाँ मैं, यानी किसका नाम दिया? मानव का लिया लगा मुझे. X two आ जाएगा सर. हाँ, thanks for telling it out loud to everybody. जल्दी करो, मल्टीप्लाई करना है. ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस थ्री बी वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो. ए कॉमन निकालो, एक्स प्लस वाई माइनस वन. प्लस बी कॉमन निकालो, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन. यही, ये भी फैमिली ऑफ लाइन्स है, ए एल वन प्लस बी एल टू. अगर ऐसे तुम लोगों को दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो ए से डिवाइड कर दे, कर सकते. ए से डिवाइड करेंगे तो बी बाई ए हो जाएगा. सो दिस विल बी लाइक एल वन प्लस लैम्डा एल टू जैसा, एल वन प्लस लैम्डा एल टू जैसा. बट ए एक्स इस तरीके से रहेगा तो भी फैमिली ऑफ लाइन्स ही रहेगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जस्ट हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. यू जस्ट हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. सॉल्विंग का पार्ट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. बाकी मेन कॉन्सेप्ट फॉर कंसीडरिंग स्ट्रेट लाइंस इज एल वन प्लस लैम्डा एल टू के फॉर्म में आएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाएगा. आया कि नहीं नियति? कितने लोगों का हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करके? सर मेरा, सिद्धार्थ एंड भव्या आई नो ऑफ, नियति आल्सो, तीन लोग. और किसी का हुआ क्या? ठीक है, आई विल वेट फॉर सम टाइम. जिसका नहीं हुआ आई विल वेट फॉर सम टाइम. जो तीन लोगों का हो गया, कैन यू गाइस ट्राई दिस नेक्स्ट क्वेश्चन? फॉर अदर्स दैट क्वेश्चन विल बी होमवर्क. सेम ही क्वेश्चन है, प्रूव दैट इट इज अ फैमिली ऑफ लाइंस जस्ट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सेम ही क्वेश्चन है यू थ्री. सर वो लास्ट वाला पार्ट नहीं दिख रहा, वो 2 cos थीटा के ऊपर वाला. sin थीटा + 2 cos थीटा, sin थीटा + 2 cos थीटा. ठीक है, यस सर. मानव करेक्ट है. Okay, other than these four students, Ayush, Akshay, Anil, AL1 plus BL2 equals to zero. फिर इसके बाद simultaneously solve करना है. Simultaneously solve करना है. Simultaneously solve करना है x plus y minus one equal to zero को और 2x plus 3y माइनस वन इक्वल टू जीरो. टू मेक वन ऑफ द कोएफिशिएंट इक्वल, लाइक एक्स वाले को एक्स प्लस वाई माइनस वन को वी कैन राइट एज टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. सेम एक्स का कोएफिशिएंट, फिर सब्ट्रैक्ट करो. सॉल्व करोगे तो वाई का वैल्यू माइनस वन आएगा. वाई का वैल्यू माइनस वन आएगा तो पुट इट बैक इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स.
x कोऑर्डिनेट 2 आता है, y कोऑर्डिनेट माइनस 1 आता है, मेकिंग द आंसर एज 2 कॉमा माइनस 1. ओके, एरेज कर रहा हूं गाइस ये वाला. किसी को डज एनीबॉडी नीड टाइम फॉर मी टू वेट? सर ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व होने नहीं आया, बस साइमल्टेनियस से पहुंच गया हूं. 2 सेकंड. हाँ, सब लोग ट्राई कर रहे हो क्या ये, कि सिर्फ एक दो लोग ही? होमवर्क में कर सकते हो, बस ए और बी की जगह साइन थीटा कॉस थीटा करके और स्केरी लुकिंग करवाया है, स्केरी लुकिंग किया है. आंसर बता देता हूँ, तुम लोग घर जाके ट्राई कर सकते हो ना, या अभी करना है? हो गया तो अभी कर लेता हूँ. तू तो अभी, तेरा अभी हो रहा है, फिर ऐसे एक और का. ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ, फिर तू कर ले इन द मीनटाइम. सर ऊपर वाले का माइनस 11 बाय 29 आ रहा क्या? एक्स कोऑर्डिनेट माइनस 11 बाय 29 आएगा और वाई कोऑर्डिनेट 2 बाय 29 आएगा. अच्छा यार, क्वाइट फास्ट यू डिड. इधर है, दिस इज फॉर होमवर्क, आई एम गोइंग टू इरेज दिस इन फ्यू सेकंड्स. साइन थीटा कॉस थीटा देख के इमीडिएटली लगता है ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट विथ योर ब्रेन्स. ओके, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करने की जगह कुछ और चैप्टर. रेड ऑन. इफ ए कॉमा बी कॉमा सी, if a comma b comma c are in arithmetic progression, if a b c are in arithmetic progression, prove that ax plus by plus c is equal to 0 represents family of lines and hence find the point of concurrency. If ABC are in arithmetic progression, prove that AX plus BY plus C is equal to 0 represents a family of lines and hence find the point of concurrency. Sir, is it general terms approach kare ya 2B is equal to A plus C leke approach kare? Teri marzi. Dono se aayega answer. सबसे पहले ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी? यस सर, टू बी इक्वल टू ए प्लस डी ए प्लस 3डी. सो ए प्लस डी ए प्लस 2डी ऐसे करके. ओके ओके, सब वही यूज कर रहे हैं कि कोई दूसरा कुछ यूज कर रहा है? टू बी इक्वल टू ए प्लस सी कोई यूज नहीं कर रहा है क्या? सर मैंने वही से कर रहा हूं, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी. ओके, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी एक ने बताया, बाकी लोग जिसने किया वो भी करेक्ट है. उन तीनों नंबर्स को a, a plus d और a plus 2d ले लिया. जिसने a, a plus d, a plus 2d ले लिया वो उसको डाल दो a, b, c की जगह. जिसने 2b equals a plus c लिया वो लोग भी सब्स्टिट्यूट कर दो, like a x plus b, b की जगह लिख देना a plus c by 2 into y plus c is equal to 0. अभी इसको मैनिपुलेट करो फैमिली ऑफ लाइंस दिखाने के लिए. फैमिली ऑफ लाइंस दिखाने के लिए लाइक 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फिर a कॉमन निकालो, c कॉमन निकालो. You guys can do the rest. Try to do it. Sir, a is equal to 2 and y is equal to minus 3. You mean to say x and y? Yes, sir. X and y, 2 and minus 3 are not right. Sir, 1 comma minus 2 answer. That's right, Krish. Sir, y minus 2. Haan, correct. Y ka value.
जिसने ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी लिया उनको भी आएगा यार ए टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस वन ऐसे कुछ आएगा। ऐसे लग रहा है गायत्री सो गई है और कोई है क्या जिस जो जस्ट सो गया अच्छा कुछ डाउट भी नहीं आ रहा है और आंसर भी नहीं आ रहा है गायत्री ए कॉमन निकालो नहीं समझ में आया तो भी पूछा करो टू सी आएगा a times 2x plus y plus c times y plus 2 is equal to 0 that's it this is enough to tell it is family of lines a l1 plus b l2 jaisa hai line 1 or line 2 a b x y matlab a b p q r s doesn't matter a c or anywhere fir abhi point of intersection bhi bahut simple hai dono lines ko solve karna hai point of intersection ke liye we just have to solve the two lines 2x plus y is equal to 0 and y plus 2 is equal to 0. That's it. Second line is giving away the value of y. You just have to put it in the first one to get the value of x. जल्दी करो तीन लोग चार लोग ही जल्दी आंसर बता रहे हैं बाकी लोग समझ नहीं आ रहा है मुझे देख फर्स्ट क्लास है मेरा इसीलिए बात नहीं कर रहे हो या हर क्लास में तुम लोग ऐसे ही हो कम बात करते हो ठीक है इधर वे आई जस्ट कंप्लीट द टॉपिक नाउ आर यू गाइस डन विद दिस यस सर दैट्स राइट नियति मानव ओके इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है जस्ट स्पीड बढ़ाओ इफ If 3a plus 4b plus 5c is equal to 0, if 3a plus 4b plus 5c is equal to 0, find point of concurrency. Find point of concurrency of ax plus by plus c is equal to 0. Find point of concurrency of ax plus by plus c is equal to 0. Yes, Sakshi, with few it is not. सिमिलर सा ही क्वेश्चन है एबीसी एपी में बोलने की जगह रिलेशन दे रखा है बस उस रिलेशन को सेकंड वाले में डंप कर दो डंप मतलब एबीसी में से कोई भी एक वेरिएबल निकाल के दूसरे में डाल दो तुम लोग होमवर्क वगैरह मॉड्यूल से करते हो कि असाइनमेंट से करते हो सर दोनों से ओके ओके
लाइक पुराना होमवर्क पेंडिंग है तुम्हारा कि कुछ और कर सकते हो एक्स्ट्रा? सर पहले होमवर्क नहीं था कोई भी, अब तक स्ट्रेट लाइंस का कोई होमवर्क ही नहीं था क्या? नहीं सर, पहले था वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने थे, पर लास्ट क्लास तक सर ने कुछ बताया नहीं था अभी, वो अपने से ही सेल्फ प्रैक्टिस था। अच्छा ओके ओके, लाइक होमवर्क और दू या नहीं दू, दैट इज द क्वेश्चन। सर x इज 3/5 एंड y इज 4/5। यस करेक्ट। कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट किया? सर मैंने c का वैल्यू निकाल लिया था। यस 3a plus 4b is equals to minus 5c, plus c का वैल्यू हो जाएगा minus 3/5a minus 4/5b। इसको इसमें पुट कर दिया, ax plus by plus c की जगह minus 3/5a minus 4/5b। फिर a कॉमन निकालो, फिर b कॉमन निकालो, एलसीएम लो या ना लो तुम्हारी मर्जी है। फिर ए एल वन प्लस बी एल टू आ रहा है तो वो आ जाना चाहिए। और किसी का? ओके साक्षी, भव्या इज राइट। और किसी का आया क्या आंसर? डू गाइस नीड सम मोर टाइम? सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी है? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जेई का ही है सर। मींस नहीं, जेई एडवांस में आया था फॉर 2 मार्क्स, वेरी इजी। यस सर, सारे कॉन्सेप्ट्स इजी है एक्चुअली पढ़ो तो, बट फाइनल एग्जाम में सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आते हैं ना तो सब याद नहीं रहते। नहीं सर, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वाले थोड़े दिक्कत होते हैं। ओके ओके, वो जेई के विंडो के क्वेश्चंस कर लो तो आइडिया आएगा। ओके आई एम वेटिंग, और बाकी लोगों का हो रहा है कि हो गया? क्या है सिचुएशन? ठीक है एक मिनट और रुकता हूँ बस। स्ट्रेट लाइन का स्टार्टिंग ही है ना? स्ट्रेट लाइंस? आपने आज ये चैप्टर चालू किया है ना हिंदी में? नहीं, तुम्हारा ऑलरेडी दीपक सर का चल रहा था ना स्ट्रेट लाइंस में, तो वो अज्यूम करके जा रहा हूँ। हाँ सर, आप वो अज्यूम करके जा रहे हो? हाँ, तुम्हारा नहीं हुआ क्या? सर नहीं, क्योंकि मैं पर्पल हाउस में आता था ना माइंस के लिए। अच्छा अच्छा, लेकिन जो आज किया था वो तो इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो पहले का नहीं आता तो भी समझ में आना चाहिए। तुझे समझा क्या फिर आज का लेक्चर पूरा? सर ने समझा तो है सर, जो नोट्स में ऐसी तरह बोलते हैं नाइन वाइज लिखना चाहता था। क्या नाइन बोलते हैं? स्टार्टिंग से लिखना चाहता था नोट्स में, जो फर्स्ट लेक्चर से। ओके ओके, ओके वी'ल कंप्लीट विद दिस क्वेश्चन। ओके चलेगा। आई डोंट नो तुम लोगों को ये टॉपिक हेवी लग रहा है कि लाइट लग रहा है, लाइक कुछ और टॉपिक करें कि इस पे और टफ क्वेश्चंस दूं? दो तीन और टफ क्वेश्चंस दूं। ठीक है, पूरा फैमिली ऑफ लाइंस ही होगा फिर आज। जैसे कि ये करना, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, obtain the equation of the line passing through point of intersection, obtain the equation of the line passing through the point of intersection of the lines 4x minus 3y minus 1 equals to 0 and 2x minus 5y
प्लस 3 इक्वल्स 0 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस एंड इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस. सर वो एक्सिस मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ना. यस करेक्ट. उसका प्लूरल ए एक्स सी एस. तो सर हम उसे वो एक्स कॉमा जीरो और जीरो कॉमा वाई करके लेंगे ना, और फिर उसमें से स्लोप निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे ना. क्या क्या वापस से बता सर? आपने बोला ना इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस, तो x एक्सिस में वो x कॉमा 0 पे का इंटरसेक्ट होगा और y पे 0 कॉमा y पे होगा. तो अगर वो एक सेकंड स्लोली बता, x पे समथिंग कॉमा 0 पे होगा h कॉमा 0 और y और पे वो सर 0 कॉमा y y एक्सिस पे 0 कॉमा 0 कॉमा y y की जगह कोई और सिंबल इसका k यू मीन टू से. Yes, तो ऐसा रहेगा तो इक्वल एक्सिस है, इक्वली इंक्लाइंड है क्या? व्हाट डज दिस मीन इक्वली इंक्लाइंड सर? इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैव टू बी इक्वल. फॉर आई थिंक टैन विल बी 45. यस सर, टैन विल बी 45 और 135 डिग्रीज भी चलेगा. यस सर. तो इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि स्लोप इज -1. Is that clear? Sir, slope is -1 or +1. Slope is +1. मतलब line is equally inclined to axis, मतलब x-axis y-axis के साथ equal angle बना रहा है. समझ आ रहा है ना? Okay. तो ऐसा line ढूंढना है जो इनके point of intersection से pass कर रहा है और जिनका slope है +1. तो start कैसे करने का plan है? कुछ भी थॉट प्रोसेस नहीं आ रहा है कि ये दो लाइंस दे रखा है, एक ऐसा लाइन ढूंढना है जो इनके पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और फिर प्लस माइनस 1 वो y - y1 वाले में डाल देंगे. परफेक्ट है, परफेक्ट है. कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढे सर? वो उसको साइमल्टेनियसली इक्वेट करके वो दो इक्वेशंस को. करेक्ट, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सर. यहां पे तो दो इक्वेशन आएंगे ना, एक स्लोप +1 के साथ और एक -1 के साथ. दो आंसर्स आएंगे. करेक्ट. ओके, प्रोसेस तो क्लियर हो गया डिस्कशन से. Will you give it a try to solve it now? Point of intersection क्या आ रहा है बताना पहले सॉल्व जिसने भी किया. Point of intersection से जो लाइन आ रही है उसका इक्वेशन ढूंढना. हाँ, point of intersection से, point of intersection इन दोनों को simultaneously solve करके. Yes. करूँ कि तुम लोग कर रहे हो? तो हो जाएगा. Okay, करके बताओ. सर तो जब भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे y - y1 = m x - x1 तो उसमें हम लोग m की जगह +-1 डाल देना. हाँ, एक बार 1 लेना है, एक बार -1 लेना है, तो दो आंसर्स आएंगे. ओके सर. सर ये वाला एग्जांपल दीपक सर ने भी कराया था. तो फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन मिला कि नहीं? सर एक बार वो समझा दो ना कि स्लोप +-1 कैसे आया.
लाइन इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसका मतलब पहले तुझे विजुअलाइज करना पड़ेगा एक ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से भी उतना ही एंगल बना रहा है, और ये तो 90 डिग्री रहेगा तो ये एंगल कितना होगा सर? वो दोनों एंगल इक्वल तो वो 45-45 हो जाएगा। हाँ, तो फिर स्लोप कितना हो जाएगा? tan 45। समझा क्या? हाँ सर समझा। बट लाइन उल्टे साइड भी हो सकता है ना, तब स्लोप हो जाएगा tan 135, इसीलिए स्लोप प्लस वन या माइनस वन। अच्छा समझ गया। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी ने ढूंढा? एनीबॉडी हु हैज फाउंड आउट? किसी का नहीं आया क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? थैंक यू नियति। 1,1 आएगा। सर एक इक्वेशन y इज इक्वल टू x और एक y प्लस x इज इक्वल टू 2। हाँ करेक्ट, y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। m का वैल्यू एक बार प्लस 1 लेंगे एक बार माइनस 1 लेंगे, तो m का वैल्यू जब प्लस 1 लेगा तो स्लोप इक्वेशन आएगा x माइनस y इक्वल टू 0 शायद, और माइनस 1 जब लेगा तो x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट ही टोल्ड। Can anybody cross check or confirm? तुम लोग का सेंटर ऑफ मास हो गया क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक। ओके, इज इट डन अदर्स और क्या है सिचुएशन? सर हो गया सॉल्व करके। चलेगा। सर हो गया। चलेगा। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, बहुत जल्दी हो गया एक्चुअली और 15 मिनट और है। तुम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना वगैरह भी आता है ना? हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर? यस सर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढना आता है क्या? नहीं सर वो नहीं आता, बस टर्म पता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आज का, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -3,7 ऑन टू द लाइन 3x - 4y + 12 इज इक्वल टू 0। Onto the line 3x - 4y + 12 = 0। First, 1 minute सोचो।
ओके पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं. फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट दे रखा है -3,7 और एक एक लाइन दे रखा है 3x-4y+12=0. पूछा क्या है पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ सकते हो क्या? व्हाट आर दे आस्किंग? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -3,7 ऑन टू दिस लाइन, मतलब व्हाट डज इट मीन? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन इट टू मी? व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग सर -3x,7 से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टुवर्ड्स दैट लाइन होगा वो. यस, परपेंडिकुलर तो समझो यार, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे इस पे से इस लाइन के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे तो फुट मतलब इस पर ये परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड एज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. प्लूरल इज जस्ट लाइक द इंग्लिश वर्ड फीट ऑफ परपेंडिकुलर. ओके, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज पी, दिस लाइन एज एल, एंड लेट अस कॉल द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज एफ, लेट अस कॉल इट एज एफ. ओके, तो एफ पॉइंट ढूंढना है, तो कैसे ढूंढू? पॉइंट ढूंढना है, पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करूं? ये पॉइंट एफ पॉइंट ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये पॉइंट किन पॉइंट किन लाइंस का इंटरसेक्शन है? हाँ भव्य, ये पॉइंट किन लाइंस का इंटरसेक्शन है? Can anybody tell other than Bhavya? Yes, I got your intention. Anybody else who can give me an idea? Perpendicular slope equal to -1. That is right, Bhavya, what you are saying. Other than Bhavya, can anybody think of this process? Foot of perpendicular ढूंढने के लिए lines को solve करना है. कौन से दो lines को solve करूं? एक तो ये line खुद है, 3x-4y+12 खुद ही line है. और दूसरा लाइन कौन सा होगा? ये पीएफ वाला लाइन होगा, दूसरा लाइन होगा ये पीएफ वाला लाइन. ये पीएफ वाला लाइन ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ पीएफ ढूंढना है, तो हाउ शुड आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पीएफ? पीएफ लाइन का इक्वेशन कैसे ढूंढू? सर ऐसा कर सकता, सर ऐसे हो सकता है क्या कि वो जो फर्स्ट लाइन जा रहा है उससे उसका स्लोप परपेंडिकुलर स्लोप निकाल लिया और सेकंड स्लोप पॉइंट फॉर्म में डाल दिया? करेक्ट, इक्वेशन ऑफ द लाइन में स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे. पॉइंट गिवन है क्या? Yes, sir. Points हमें दिया है. y-7 = m(x-3). Slope चाहिए. तो वो ये कह रहे हैं, ये जो given line है, इसका slope है 3/4. इसका slope है 3/4. दूसरे line का slope कैसे ढूंढूं? What is the relation between -4/3 दोनों slope? -1. m1 into m2 = -1 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि perpendicular है. Sir, question में दिया हुआ था. Yes. तो एक का स्लोप 3/4 है, तो m इंटू 3/4 -1 होगा, तो दूसरे का हो जाएगा -4/3. फिर इससे हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, 4x+3y कुछ तो रहेगा, -21+12. तो ऐसे दूसरा लाइन आ गया. तो इस लाइन को और ये गिवन लाइन को क्या करना है? तो साइमल्टेनियसली सॉल्व टू गेट द आंसर. ओके, इसको सॉल्व करने के लिए भी एक फॉर्मूला है, बट आज मैं नहीं बताऊंगा, टू मच मे बी हेवी हो जाएगा एक लेक्चर के लिए, और पार्टिसिपेंट्स भी कम होते जा रहे धीरे धीरे, तो वील कंप्लीट द लेक्चर आफ्टर दिस, बट ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. तुम लोग तो खुद सॉल्व कर सकते हो. पहले इसको लिख लेना, किसी का आंसर आ गया तो आई कैन वेरीफाई इफ इट इज राइट और रॉन्ग. नेक्स्ट क्लास दीपक सर आएंगे तो बता दो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर से स्टार्ट करना है, उसका फॉर्मूला नहीं बताया. अगर मेरा रहेगा तो विल कंटिन्यू. सर y विल बी 3. यस दैट इज करेक्ट.
I'll write down a very little homework for you guys to do. Mainly family of lines के ऊपर है, foot of perpendicular के ऊपर नहीं है. Booklet से 1B exercise 47 से 50. Window to JE main का 15th question. फिर 2A exercise का 10th, 12th और exercise 3 का 75-78. Okay, only this much homework. Family of lines के ऊपर है mainly. इसको सिंपलीफाई कर लो, मतलब सॉल्व करके कंफर्म कर लो. सर 1B का 47 से 50 तक है ना? हाँ 1B का 47 से 50 तक है, करेक्ट.